सेवियर ग्रीनाइन ओओए एवं लगभग 250 से ज्यादा निवासियों ने सेवियर बिल्डर के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। सड़क सीवर पेंडिंग प्रोजेक्ट को पूर्ण करने, बिल्डिंग की जर्जर हालत को दुरुस्त करने और रनिंग मेंटेनेंस IFMS के साथ AOA को देने के लिए प्रोटेस्ट मार्च निकाला। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से संवाददाता कपिल चौहान। आदित्यनाथ कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार, ऊर्जा मंत्री उत्तर गाजियाबाद प्राधिकरण, SSP महोदय गाजियाबाद, डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय सोसाइटी चिप्स फंड मेरठ, थाना अध्यक्ष विजयनगर, चौकी प्रभारी गाजियाबाद हिमांशु गोयल हाय हाय, कार्यकारी अध्यक्ष सेवियर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, मोहित धामा हाय हाय, निदेशक सेवियर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इकबाल सिंह सोनी हाय हाय सेवियर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, निर्मल गुप्ता हाय हाय सेवियर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, गौतम कुमार झा हाय हाय स्टेट मैनेजर सेवियर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद। विषय सेवियर डिजाइन क्रॉसिंग रिपब्लिक का रनिंग मेंटेनेंस ऑपरेशंस IMFS फंड के साथ SGOA को हैंडओवर कराने और सेवियर बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट पेंडिंग वर्क पूर्ण कराने, सड़क एवं सीवर का निर्माण कराने, बिल्डर द्वारा संग्रह किए गए IMFS के ब्याज के जर्जर रेजिडेंशियल बिल्डिंग को रिपेयर पेंट कराने एवं इलेक्ट्रिसिटी लोड के फ्रॉड के संबंध में महोदय सेवियर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के उपरोक्त प्रोजेक्ट फेज 1 टावर 1 A1 A2 A3 A4 के अपार्टमेंट ओनर्स को साल 2013 से कब्जा देना प्रारंभ कर दिया था, साथ में फेज 2 टावर A5 A6 A7 A8 9 के कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। 2018 में फेज 2 का कब्जा भी फ्लैट ओनर्स को दे दिया गया। अभी हमारी सोसाइटी में 978 फ्लैट है, जिसमें से 900 फ्लैट ज्यादा से ज्यादा फ्लैट का कब्जा सेवियर बिल्डर्स द्वारा दे दिया गया है। इस सोसाइटी में निवास कर रहे उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट के अनुसार 60% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी होने के बाद मेंटेनेंस ऑपरेशन SGOA को ट्रांसफर कराने का प्रावधान है, जबकि हमारी सोसाइटी की ऑक्यूपेंसी 90% से अधिक है। मई 2017 में सेवियर ग्रीनाइल अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ कार्यालय द्वारा कराया जा चुका है। सेवियर SGOA में प्रेसिडेंट पिछले 5 वर्षों से SBBL से पेंडिंग वर्क पूर्ण करने, सोसाइटी तक अप्रोच रोड सीवर का काम पूर्ण करने, रनिंग मेंटेनेंस सेवियर SGOA को ट्रांसफर करने के लिए बिल्डर हिमांशु गोयल मोहित धामा से विभिन्न माध्यम से बात कर चुके हैं और रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन सेवियर बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त में से कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। SBBL समय समय पर रनिंग मेंटेनेंस में घाटा दिखाकर मेंटेनेंस बढ़ाने का प्रयास पिछले 5 सालों से करता आ रहा है। सोसाइटी का रनिंग मेंटेनेंस भी ढंग से नहीं रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी एकदम खंडहर लगने लगी है। हमारे साथ जुड़ना चाहें जल्दी से आ जाए। अब अनाउंसमेंट बंद कर दीजिए। चलो चलो माइक 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 चलो सेवियर बिल्डर्स सेवियर बिल्डर्स सेवियर बिल्डर्स सेवियर बिल्डर्स हिमांशु गोयल जोर है हिमांशु गोयल जोर है हिमांशु गोयल जोर है सेवियर बिल्डर्स धन्यवाद।
धरना प्रदर्शन किया हुआ है। पहले हम क्या नाम है जी आपका? आशीष जोशी। यहाँ पर क्या समस्या है आपकी? यहाँ पर समस्या तो कभी ध्यान नहीं देता, हमारी मीटिंग में भी आगे कुछ नहीं होता, इतना बिजली का सब बना रखा है। सड़क का यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, सड़क पे बंदा कोई चल नहीं सकता, गाड़ी लेके चलो तो रास्ते में इतने घंटे की पूछा नहीं जा सकता। यहाँ लाते हुए ऐसा लगता है कि हम किसी गांव में घुस रहे हैं। जब हम लोगों ने यहाँ सोसाइटी में फ्लैट लिया तो सोचा था यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हैं, क्लब है, सब कुछ, स्विमिंग पूल वगैरह, एवरीथिंग इज़ हेयर, बट नथिंग विल बी हैपन ओवर हेयर। वो हमारी कोई बात समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। हम रोज़ यहाँ पर आकर उसके हमारे जितने भी हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं जाकर उसके लिए पूरा लड़ते हैं, लेकिन उसका कोई भी नहीं होता। जितना पैसा हमसे कमाता है वो सारा कहीं अपना दूसरे किसी अपने प्रोजेक्ट्स में लगा रहा है, इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत समस्याएं। बिल्डर का क्या नाम है जी? बिल्डर का गोयल है जो सा। एक्चुअल में हमने फ्लैट लिया था ये सोच के कि ये बिल्डर बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसके सारे प्रोजेक्ट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है। ये किसी के सर ध्यान नहीं देता, जब एक बार भेज देता है उसके बाद यहाँ से मेंटेनेंस ले रहा है, इतनी हाई मेंटेनेंस करने के बाद भी हमारे को कोई हमारी सुविधा नहीं प्रोवाइड कर रहा ना। यहाँ पे पत्थर टूटता है लिफ्ट के बाहर, कोई ध्यान नहीं दिया जाता, मेंटेनेंस के नाम पे, सफाई के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं देखा जाता, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी समस्या खड़ी हो गई है कि हम बच्चों के लिए भी आज बच्चे झूले बनाने के लिए भी इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी कि आज यहाँ पे झूले बने हैं। स्विमिंग पूल को देख लो कोई मेंटेनेंस नहीं, क्लब के अंदर जाकर देखो कोई मेंटेनेंस नहीं है। इतना हमसे मेंटेनेंस रहने के बाद भी हम लोग कोई सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए हम सारे आज इकट्ठे हुए हैं उसको दिखाने के लिए, इसीलिए हम आज यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। आज हम ये चाहते हैं कि बिल्डर को हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और हम लोग एकजुट होकर ये नारा दे सकें कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो सब हमारे हाथ में आए, ताकि हम अपनी सोसाइटी को एक बेहतर और एक रहने लायक बना सकें। जो आज हमारे को रहते हुए बहुत लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाया, तो हमारे से यही निवेदन है आप सब सब साथियों के साथ में कि हमारे साथ मिलकर ये सहयोग दें और इस सोसाइटी को एक बहुत अच्छी सोसाइटी बनाएं, ताकि हम सेवियर के अंदर जो रह रहे हैं तो हम गर्व महसूस कर रहे हैं। जो अभी हम आ रहे थे आज हमारे को आते हुए गर्व महसूस नहीं होता, अंदर घुसते सड़क इतनी टूटी फूटी है, सड़क के बारे में बोलता कल अगर ये 6 महीने बाद बन जाएगी, 4 महीने बाद बन जाएगी, और मेंटेनेंस हमसे हायर एड्रेस पर लिया जा रहा है। तो हमसे यही निवेदन है सभी समय, डेंटिंग पेंटिंग बिल्डिंग की हालत देखो, पत्थर गिर रहे हैं, आप जाकर देखो जितने पेमेंट्स हैं सारी निकली पड़ी हैं, कुछ नहीं ध्यान दिया, सीपे जितनी ज़्यादा है कि आप पूछो मत, पाइपलाइनों में आप बाथरूमों का हाल देखो, बाथरूम में चोक हो जाता है, इतनी समस्याएं कि क्या क्या समस्याएं हैं, पर कुछ जो मेनली हैं वही हमारी पूरी कर दे तो हमारे लिए बहुत बड़ा। आपके पास में एक चौकी पड़ती है क्रॉसिंग में, आप कोई भी ज्ञापन दिया है प्रार्थना पत्र? पहले बहुत बार ज्ञापन दिया है लेकिन उसकी सुनवाई भी नहीं हुई कि बिकॉज इलेक्शन हो गए थे बीच में, तो वो मामला ठंडा हो गया। कोविड से पहले बोला सड़क बन जाएगी, सड़क बन रही, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे जाके हम ज्ञापन कितनी बार हमारे सबके सब देकर आए हैं लेकिन हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हम यही चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, जो नई सरकार आई है वो भी हमारी समस्याओं का सरकार दे। हमसे MCD से पूरा पैसे ले जा रहे हैं, हमसे मेंटेनेंस सारी ली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हमको कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। तो हमसे आपसे सबसे यही निवेदन है सारे साथियों के साथ मिलकर कि सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ। अब चलो हो गया। महिला भी हैं और हम जानना चाहेंगे, पहले आप अपना नाम बताइए। मैं गुंजन शर्मा इस सोसाइटी में रहती हूँ अपने परिवार के साथ। हम जब भी इस सोसाइटी में आते हैं तो हमें लगता है कि जैसे कि हम किसी गांव में जा रहे हैं। आप सड़कें देखिए बाहर आके, प्रशासन सोया हुआ है, बिल्डर तो कभी कोई एक्शन लेता ही नहीं है। हमारी सोसाइटी के पार्क देखिए, बच्चे खेलते हैं बिल्कुल पार्क खराब पड़े हुए हैं। एक छोटे से झूले के लिए हमारी AO ने इतनी मेहनत की तब जाके वो झूले ठीक हुए। टूटे झूले, टूटी सीढ़ियाँ, टाइल देखिए, अभी एक वीडियो है, हमारे प्रूफ के साथ बात करते हैं, वीडियो हमारे पास है, लिफ्ट का टाइल गिरा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक सुविधाएं हैं, हम किसी चीज़ को एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे, हम अपनी बेसिक चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप बिल्डर से बोलते हो कि ये पार्क में समस्या है या सड़क टूटी हुई है, बिल्डर का क्या कहना होता है? हमेशा टालम टोल का रवैया रहता है, कोई भी उनके पास पैसे नहीं होते। जब पैसे नहीं है तो हमारा मेंटेनेंस कहाँ जा रहा है? इतने सारे लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं उसका क्या हो रहा है? पानी की सफाई तो नियमित होनी चाहिए टैंकों की, वो तक नहीं है, गंदा पानी ऊपर से आता है। आप अभी हमारे जाके देखिए पानी को, सप्लाई वाले को, उसमें कीड़े तक नजर आते हैं। मतलब अपनी दिनचर्या में बेसिक चीजों के लिए, हर चीज के लिए यहाँ दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। यहाँ पे सेविंग सोसाइटी में लोगों ने ज्ञापन दिया है और जा रहे हैं चौकी पे, जैसे क्रॉसिंग चौकी पड़ेगी। सेवियर सोसाइटी के लोगों ने क्रॉसिंग चौकी जो गाजियाबाद में पड़ती है और यहाँ पे ज्ञापन दिया हुआ है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक कुमार चौधरी, अध्यक्ष सेवियर ग्रीन आइल अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन। आपको क्या समस्या हुई जो चौकी आना पड़ा आपको?
समस्या ये है कि बिल्डर अपने जो भी उसने वादे किए हुए हैं उनको निभा नहीं रहा है। 2013 से ही प्रोजेक्ट का पजेशन दिया हुआ है और रोड 2013 से आज 2022 हो गया, 7 साल हो गया, रोड सीवर का कोई अभी तक इसने प्रॉपर नहीं बना के दिया। तो अभी आपने चौकी में प्रार्थना पत्र दिया हुआ है? हाँ, प्रार्थना पत्र दिया है और मेंटेनेंस भी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बिल्डिंग की हालत खस्ता हो गई है, जर्जर हालत में आ चुका है। सीपेज की प्रॉब्लम रहती है, जगह जगह बेसमेंट में पानी भरा रहता है, टपकता रहता है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक कुमार चौधरी है। दीपक जी, एक बात बताइए, अभी आपने चौकी में जो ज्ञापन दिया है, चौकी इंचार्ज से आपकी बात हुई है अभी, तो उन्होंने क्या कहा है? अभी चौकी इंचार्ज ने बिल्डर से बात की है, जो हिमांशु गोयल हैं डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनसे बात हुई और उन्होंने बोला कि कल वो यहाँ चौकी पर आएंगे और बात करेंगे हम लोगों से। आपसे बात करेंगे मतलब जो सोसाइटी के लोग हैं? चौकी इंचार्ज के साथ बैठ के बिल्डर भी बैठेगा और हम भी बैठेंगे, बात होगी जी, यह आश्वासन दिया। धन्यवाद। नाम आरसी चौहान है। क्या समस्या है आपको, आपको यहाँ पे आना पड़ा? समस्या ये है कि सर जब लिफ्ट चलती है तो उसकी टाइल्सें गिरती है, आज टाइल्स गिर रही है, कल हमारा प्लास्टर गिरेगा, ये बिल्डिंग जर्जर हो रही है। बिल्डर हमसे संपर्क नहीं करता, ऐसा व्यवहार करता है कि वो सरकारी कर्मचारी हैं और हम उसके अधीनस्थ यहाँ पर कैदी हैं, वो हमसे जेलरों की तरह व्यवहार करता है। आपने इससे पहले भी कोई प्रार्थना पत्र दिया है थाने चौकी या कहीं पे जीडीए वगैरह? बहुत मर्तबा किया सर, हम जीडीए में भी गए, सीआईपीएल में भी गए, थाने में भी गए, मगर पता नहीं, हमेशा कहता दे दूंगा, हम कह रहे हैं मेंटेनेंस तो आज दे दे, हमें इसी वक्त दे दे, बाकी बाद में हम हिसाब कर लेंगे, खाली मेंटेनेंस तो हैंड ओवर कर दे, वो नहीं कर रहा है सर। उसको प्रॉफिट है यहाँ से 10 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? कोई सुनवाई नहीं सर, बहुत मुश्किल है, सुसाइड करने का दिल करता है, मकान बिक नहीं रहे, मकान बेचना भी चाह रहे हैं, बिक भी नहीं रहे। तो जैसे आप भी बता रहे थे, आप लाइट वगैरह की क्या पोजीशन है यहाँ पे? लाइट वगैरह तो सर अब एक्चुअली क्या है, जनरेटर पुराने हो गए हैं, जितना पैसा ले रहा है जनरेटर का उतना जनरेटर की कैपेसिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, हर चीज़ में ये बिल्डर एक प्रकार का नंबर थेफ्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं गाजियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक में पुलिस चौकी में इन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है और बिल्डर ने बोल दिया है कि मैं मंडे को इनसे मिलकर मुलाकात करता हूँ। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम प्रवीण अंतल है और मैं सन 2013 से सोसाइटी में रह रहा हूँ। क्या समस्या है आपको? सर समस्या क्या नहीं है, ये इसका अगर समस्या बताने लग गया तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी जी। समस्या ये है कि हम मेन सोसाइटी से लगभग 1 किलोमीटर दूर हैं, ना ही कोई लाइट है, ना ही कोई सिक्योरिटी है, ना ही हमारे पास कोई पानी का प्रॉपर सीवरेज लाइन का कनेक्शन है। अगर आप शाम के टाइम में जाएं, महिला और बच्चों का इतना बुरा हाल है, असामाजिक तत्व वहाँ पर बैठते हैं, शाम को अगर आप आकर देखेंगे वहाँ पे खुलेआम ड्रिंक चलती है जी। कई बार इसकी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शिकायत कर चुके हैं बट आज तक नहीं मिली है। बिल्डिंग के अंदर आप जाएंगे, टाइल्स हमारी गिर रही है, सीपेज वहाँ पर है, प्लास्टर झड़ रहा है, बिल्डिंग की अगर आप हालत देखेंगे लगता है सदियों पुरानी बिल्डिंग है। लगभग 9 साल से हमें लड़ते लड़ते आज ये समय आ चुका है, आज तक हमें हमारी समस्याओं का समाधान नहीं मिला। अब ये बस एक आखिरी आशा है जिसमें हम पुलिस चौकी से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी एक विज्ञप्ति देना चाह रहे हैं, कि अपनी रिक्वेस्ट देना चाह रहे हैं, उम्मीद है शायद इस पर कुछ भला हो जाए, 9 साल से तो हमें देखते हो गए सर। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से और हमारे चैनल के द्वारा? प्रशासन से तो बस ये कहना है कि सर बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, आदमी एक आशियाना एक घर खरीदता है, एक घर ही हमने खरीदा है, उसमें हम शांति से सुकून से रह सकें और जिस सुविधाओं के लिए हम पैसा दे रहे हैं वो सुविधाएं हमें प्रॉपर मिल जाए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसका अंकन हमारे भारतीय संविधान में भी है, ठीक है, और उस मूलभूत। क्या नाम है आपका? अभिषेक श्रीवास्तव मेरा नाम है, A6 1205 में रहता हूँ। सेवियर सोसाइटी में कब से रह रहे हैं आप? सन 2018 से रह रहा हूँ सर, 5 साल हो गए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सर जो मौलिक सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, इसका तो भारतीय संविधान में भी अंकन है कि हमें वो चीज़ मिलना चाहिए, बट यहाँ पे हर एक चीज़ों का उल्लंघन किया जा रहा है बिल्डर के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। कोई उसका साफ साफ कहना है कि जो बिल्डर बिल्डिंग लेता है, सोसाइटी लेता है, कोई घर लेता है तो इसलिए लेता है क्योंकि उसकी फैसिलिटी देखे, फैसिलिटीज़ वगैरह मिले उसको, जो भी फैसिलिटीज़ नॉर्मल नहीं मिल पाती उन सब फैसिलिटीज़ मिले उसको। बट यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई फैसिलिटी, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। अब आप सिंपल सा देखिए कि बिल्डर की हालत जो है आज के, बिल्डर का क्या नाम है? सेवियर बिल्डर है ये, हिमांशु गोयल डायरेक्टर है यहाँ का, इससे हम लोग काफ़ी बार बात भी कर चुके हैं, ठीक है, हर समय आश्वासन देता है, उसके बाद कोई काम नहीं करता, और अगर यहाँ पे काम करने की बारी आती है वहाँ पे ये बोल देता है कि हमारा उसके ऊपर देनदारी है, ठीक है, वो रेजिडेंट्स को ही देनदार बना देता है, बोलता है 2 करोड़ 3 करोड़ जो कुछ भी है उसके हिसाब से। बट अगर आप ये इसकी बैलेंस शीट उठा करके देखें, इसके बुक्स उठा करके देखें, ये बिल्डर प्रॉफिट में चल रहा है और ये खाली अपनी मनमानी कर रहा है। अभी आपने यहाँ क्रॉसिंग में दिया है, ये कहाँ कहाँ पे देंगे कि अपन?
ये अभी हम ज्ञापन अभी प्लस चौकी में दिया है, इसके बाद जिलाधिकारी और इनफैक्ट मुख्यमंत्री तक भी हम लोग जाएंगे, ठीक है, नगर निगम GDA भी जाएंगे, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे हम लोग को सपोर्ट मिले, क्योंकि आप एक ऐसा जरिया है जो हमारी आवाज़ को जहाँ जहाँ मतलब कि हमारा अप्रोच नहीं है, लेकिन आपके इस मीडिया के माध्यम से आप उसको पहुँचा सकते हैं, तो इसके अंदर आपका बहुत बड़ा सहयोग चाहिए होगा मुझे। धन्यवाद। जब कि लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में 36 लाख रुपया प्रॉफिट वो दिखा रहा है, उसके बैलेंस शीट में 36 लाख का प्रॉफिट है, और कहता है मुझे 3 साल में जो है 5 साल में 2 करोड़ 85 लाख का सेवियर स्ट्रीट खड़ी कर दी है भाई ने। बेनिफिट हुआ है। हाँ, हिमांशु गोयल बोल रहे हैं, इंचार्ज बोल रहा हूँ क्रॉसिंग। ये बताओ, ये मेरे यहाँ कम से कम 200-250 आदमी ये चौकी पर खड़े हैं, तो इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, क्या चल रहा है? तो कोई समाधान नहीं हो रहा यार। एक सेकंड तो रुको, मुझे बात करनी है। तुम यहाँ आओ, मेरे पास कर। मुर्दाबाद, पासिंग छोड़ी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सेविया बिल्डर चोर है, चोर है, चोर है। सेविया बिल्डर चोर है, चोर है, चोर है। हमारी मांगे पूरी कराओ, पूरी कराओ, पूरी कराओ। CIPL चोर है, चोर है, चोर है। CIPL चोर है, चोर है, चोर है। सेविया बिल्डर चोर है, चोर।